बानपुर महानगर में 2 माह से लापता किशोर का मिला कंकाल। परिजनों में मचा कोहराम। बिल्हौर थाना क्षेत्र के देवहा गांव निवासी पातिराम का 8 वर्षीय पुत्र सुमित 21 अप्रैल को घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया था। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू की थी। बीते 2 माह से किशोर की तलाश में जुटी पुलिस ने गांव के कई लोगों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की थी और इस बीच पुलिस को लापता किशोर के घर के ठीक सामने वाले घर में रहने वाले किशोर के दूर के रिश्ते के भाई शुभम पुत्र रमेश चंद पर संदेह हुआ और उसे थाने ले जाकर पूछताछ की। पूछताछ में युवक से मिली जानकारी के आधार पर क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में गांव पहुंची पुलिस ने युवक के गांव किनारे जानवर बांधने के लिए बने घर के कमरे में जमा भूसा निकलवाकर खुदाई कराई और उसमें एक कंकाल बरामद किया और फॉरेंसिक टीम को भी घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं खुदाई में कंकाल मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। कानपुर से संवाददाता कमर आलम की रिपोर्ट।